गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस लाइफस्टाइल्स। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी अ मीशो शॉपिंग हॉल जो कि एक गिफ्ट आइटम से रिलेटेड होने वाला है। एंड गाइस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैंने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए बड़े अमाउंट में मीशो से गिफ्ट्स खरीदे हुए हैं और उसका जो ब्लॉग है वो दो वीडियोस में आ पाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट हैं तो वो एक ब्लॉग में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और रही बात जहाँ तक मीशो के एक्सपीरियंस की, तो गाइस अभी तक मैंने मीशो से जितनी भी शॉपिंग की है उसका एक्सपीरियंस सुपर रहा है और इस टाइम जो मैंने गिफ्ट खरीदे उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। वो मैं आपसे भी शेयर करूँगी तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ बहुत ही अच्छा ऐप है। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ये ब्रांड को प्रमोट करने बहुत अच्छी बात है, बट ये छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उन्हें भी प्रमोट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस सबसे पहले है हमारा ये एक राधा कृष्ण का फोटो फ्रेम जिस और ये इस तरीके से बॉक्स में है और ऐसे करके पैक आया हुआ बिल्कुल ताकि डैमेज ना हो प्रोडक्ट। ये है कॉपर और ब्लैक कलर में, ये इस तरीके से पैक्ड है। एंड गाइस ये है राधा कृष्ण, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। ये इन्होंने ये दिया है बॉल पे हैंग करने के लिए, ये पूरा का पूरा कॉपर पे है और ये यहाँ पर ग्लास है, ये पूरा का पूरा ये ग्लास पर लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग है ये। अगर इसमें हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने अभी तक ये अपने गिफ्ट किसी को भी नहीं दिए, तो मैं इस वीडियो में कोई भी प्राइस मेंशन नहीं करूँगी। जो क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही चीप टाइप वाला, बहुत ही हल्के वाला जो होते हैं उस टाइप वाला, ऐसा कुछ भी नहीं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये सामने से तो और भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ से देखो बहुत ही स्टर्डी टाइप का है, अच्छी वाली प्लास्टिक जो होती है वो है ये। चलते अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ और जो कि है एक इस टाइप की बॉक्स में आया हुआ है, रिवेल गिफ्ट आर्टिकल से है ये और ये बहुत ही अच्छे से बॉक्स में आया है, बहुत ही मोटे से बॉक्स में है। ये है ट्री के बेस पे फोटो फ्रेम है, आप इसे न्यू ईयर के लिए, अपने लोहड़ी के लिए या फिर वैलेंटाइन के लिए किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा है ये। गाइज यहाँ पर ये दिए इन्होंने क्लॉक और यहाँ पर ये फोर फ्रेम दिए हैं, यहाँ पर आप इसका साइज़ जो देखेंगे वो है 4x6 का, तो आप इसमें अपने ये चार फोटोज लगा सकते हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर ये जो है ये ग्लास नहीं दिया है इन्होंने, यहाँ पर भी प्लास्टिक जैसी जो होती है वो दिया हुआ है, कहीं पर भी ग्लास का यूज़ नहीं हुआ है। और ये सुपर जो होता है ना सुपर ग्लॉसी वाइट कलर होता है वो है और पिंक और ग्रीन कलर पे हल्का सा पेंट दिया है। और ये पैक से देखेंगे तो ये है यहाँ पर बैटरी डालने के लिए है और ये बॉल पे हैंग करने के लिए, ये यहाँ पे इसके बोल्ट डाल के तब आप यहाँ पर फोटो अटैच कर लेंगे। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि एक बहुत ही प्यारी सी बॉल क्लॉक और जो कि है वुडन पेंट में, ये वुडन की नहीं है बट ये वुडन पेंट में है, इस तरीके से पैक होते हैं। ये जो है ये प्लास्टिक से ही बनी है बट इन्होंने जो ये पेंट किया है वो वुडन का किया हुआ है, तो ये दूर से देखने में लग रही है वुडन की हो। ये देखिए इसकी प्लास्टिक बहुत ही अच्छी है और इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी है। और ये है इसके बैक, ये हैंग करने के लिए और ये बैटरी के लिए है। ये है इसका पेंडुलम जो कि इस तरीके से आप हैंग करोगे तो ये आगे से ये दिखेगा।
नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है। ये है लैंप विद क्लॉक। एक्चुअली ये अलार्म क्लॉक टाइप का है और ये इस तरीके से बॉक्स में आया है, जिसमें आपको ये दिखा होगा। एक सेकंड, ये इस इतने कलर्स में ये अवेलेबल हैं। और इसके अंदर देखते हैं, ओके, ये इसके टॉप का है। ओके, तो ये है क्लॉक और ये स्टैंड लगाने के लिए है। ये इसका मिनी बल्ब है और ये इसका स्टैंड। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। और ये इसकी केबल जो कि लाइट से चलेगा। और ये इसका है स्विच ऑन ऑफ के लिए। अगर बात करें इसके जैसे क्लॉक चलने की, तो उसके लिए बैटरी के लिए इन्होंने पीछे दिया हुआ है। तो ये टेबल लैंप है, आप आराम से रख सकते हैं। और इसमें जो लाइट है, इसके जो बल्ब की जो लाइट है, वो अगर आप एक लाइट जला दें नाइट में, तो सफिशियंट है इस बात के लिए कि आपके रूम में हल्की सी लाइट बनी रहे। और ये बहुत ही सुंदर सा है, ये गोल्डन में है। और ये जो है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, पूरा का पूरा प्लास्टिक का ही है। बट इन्होंने लुक जो है वो बहुत ही अच्छा दिया है। पास देखे तो फिर ये जो मतलब मुस्लिम जो स्टोन वर्क में आता है, तो इसमें स्टोन नहीं है, ये प्लास्टिक का। बट इससे दूर से देखें तो बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है इसका। तो ये गिफ्ट देने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे रही हूँ मैं आपको, कि आप इससे आप अपने किसी भी इंसान को, मतलब अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को देने के लिए अगर गिफ्ट देना है, तो आप आइडियाज़ निकाल सकते हैं यहाँ से। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अगेन एक और फ्रेम है। और मैंने पहले ही बताया कि ये लोकल बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो मोस्टली मैंने जितने भी गिफ्ट परचेस किए हैं, वो सारे के सारे एक लोकल जो ब्रांड्स हैं, लोकल जो बिजनेस हैं, उनसे परचेस किए हैं। और ये बहुत ही क्यूट से प्यारे से गणेशा फ्रेम है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, ब्रॉन्ज में है। ये इस तरीके से बॉक्स में आया हुआ है। और इसका जो कवर है वो तो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये मुझे किसी को गिफ्ट देना है। और मैं ऐसे दिखा सकती हूँ आपको, ये बैक है वॉल पे हैंग करने के लिए। और इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो फिनिशिंग है, वो बहुत ही प्यारी है। इसका जो बेस है वो कॉपर पे है और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सिल्वर बेस पे हैं, और जो गणेशा जी हैं वो गोल्ड पे हैं। तो इसका जो मैच आ रहा है ना, उसका कलर मैच, वो बहुत ही प्यारा आ रहा है। और इसकी क्वालिटी वाइज बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर है ये। चलते हैं अपने इस वीडियो के नेक्स्ट और सबसे लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, गिफ्ट की तरफ, जो कि है एक छोटे से क्यूट से बहुत ही प्यारे से गणेशा, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये है गणेशा फ्रेम, आगे पीछे पूरे तरीके से फ्रेम है। ये है गणेशा। इसमें इन्होंने जो मतलब अंदर जो वर्क किया हुआ है, वो पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ, सजाया हुआ है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्रेम है, तो ये किसी भी तरीके से धूल मिट्टी इसमें नहीं जाने वाली। आप बस ऊपर से करके साफ कर दीजिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। और ये जो है, ये भी प्लास्टिक मेड है, ग्लास नहीं है। यहाँ पर भी प्लास्टिक का बना हुआ है, ये गोल्ड है, मतलब गोल्डन कलर का बनाया हुआ है इन्होंने। और ये बहुत ही प्यारे से लग रहा है। ये बैग में ऐसे है, तो आप इसे आराम से कहीं भी रख सकते हैं। ये था हमारा मीशो शॉपिंग हॉल, जो कि एक गिफ्ट का शॉपिंग हॉल बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें और सबको विशेष दें, सबको गिफ्ट भी दें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए शॉपिंग हॉल के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।